आज की इस वीडियो में फ्री गाड़ी लेने वाला हूँ, वो कैसे? अरे मैं बताता हूँ। तो बेसिकली सीनियर में 100 डीलरशिप के पास जाऊंगा, उनसे फ्री कार का पूछूंगा। लेकिन इस चैलेंज के 3 पॉइंट्स हैं। या तो मैं उनसे फ्री कार ले लूं, या तो फ्री कार एक दिन के लिए ले लूं, या मैं उनसे फ्री टेस्ट ड्राइव ले लूं। भाई कार कैसल आ चुके हैं, जो कि वाकई कैसल है कार्स का। सर बात कुछ ऐसे कि मैंने गाड़ी चाहिए, लेकिन उनके लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं, फ्री गाड़ी चाहिए। फ्री मिल जाएगी गाड़ी आप? अब ये जिस तरह से आप सरकास्टिक हंसे हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई अजीबोगरीब गाड़ी देने वाले हैं आप। फ्री गाड़ी मिल जाएगी? कैसे मिलेगी कोई बताए ना। 35 साल के लिए काम करना पड़ेगा आपके पास। हाँ जी, गाड़ियां धोनी, गाड़ी दे दें, गाड़ियां धोनी पड़ेंगी। अभी मेरी 26 साल उम्र है, 35 लगा लेंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। 60 साल की उम्र में गाड़ी दे देंगे। तो जब मैं आपका एम्प्लॉय हो जाऊंगा तो पहले दे देना। एम्प्लॉय को नहीं ना देते, ऐसे शोरूम बंद हो जाएगा। ये भी आपको ये ना लगे मैं भागने जाऊँ लेकर। इसके अलावा कोई और बताएं, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी फ्री में। फ्री में अभी जा रहे हैं तो आप ना पैकेजेस मॉल चले जाएं, वहाँ पे ऑफर लगती है। क्या क्या शॉपिंग करें आपको या फ्री गाड़ी मिल जाएगी। शॉपिंग के भी पैसे ना हो तो भाईजान आप जो है कोशिश करके मर जाएं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। सर ये जो आपने इतना आसान तरीका बताया ना मुझे, मैं कहता हूँ मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे एक दिन के लिए भी नहीं मिल सकती फ्री गाड़ी? टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिल सकती? नहीं, टेस्ट ड्राइव बड़ी गाड़ी है सारी। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं एक और डीलरशिप पे। अब इन लोगों से यहाँ से पूछते हैं कि हमें फ्री कार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सर जी आपकी सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है यहाँ पर? कितने तक की है वो? हमें मिल सकती है लेकिन चाहिए फ्री में। फ्री में तो कुछ चपेट नहीं मारता फ्री। अच्छा मतलब कि फ्री नहीं मिल सकती, एक दिन के लिए भी नहीं मिल सकती, टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिल सकती, कुछ भी नहीं मतलब कुछ। अंकल ने बहुत प्यारी बात की कि फ्री में तो चपेट भी नहीं मारता भी आजकल। चलो भाई आगे पूछते हैं अब किसी से। इन दो डीलरशिप से मुझे जो जवाब मिले उनसे मुझे ये तो कंफर्म हो गया था कि इस चैलेंज में बहुत ही जलालत होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई हिम्मत करके आगे बढ़ा और अगली चंद डीलरशिप से जो सुनने को मिला वो कुछ ये था। फ्री तो नहीं मिलेगी, फ्री क्या मिलता है भाई, कोई रास्ता नहीं बताता फ्री। आप गाड़ी फ्री मांग रहे हैं? नहीं, मेरे पुता पेट्रोल पंप दे रहा चल रहा है जी, मैं तुम्हें गड्डिया फ्री दे रहा हूँ। या दुबई से मेरे पुते तेल की कोई खुई चल रही हो जी, मैं तुम्हें फ्री गड्डी दे रहा हूँ। एक दिन के लिए भी नहीं मिल सकती? प्रवाह थे कोई फ्री दे ठुड्डा नहीं मारता, तो फ्री गड्डी लेना आ गए। वेरी गुड। गाड़ी फ्री चाहिए आप? हाँ गाड़ी फ्री चाहिए। दे देते हैं भाई जान, आए मेरे साथ जाए यार, अंदर वो डंबी पड़ी है भाई को ला के दे दे यार। कौन सी चाहिए? कौन सी? वो प्लास्टिक की गाड़ी नहीं पड़ी जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, भाई को ला के दे दे यार। मस्ती कर रहे हैं तू, बड़ी राम मौत मना है। अंकल कॉमेडी कर रहे हैं मेरे साथ। तो इन डीलरशिप से मुझे जो सुनने को मिला उसके लिए मैं थोड़ा बहुत तैयार था। खैर इस बेइज्जती को ज्यादा महसूस किए बगैर मैं बड़ा आगे और पहुंचा इस डीलरशिप पर। भाई एक और डीलरशिप पे आ चुके हैं कार जॉइंट पे। क्या मतलब? फ्री गाड़ी चाहिए बस, गाड़ी लेने आए लेकिन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो ऐसे कैसे मिल जाएगी गाड़ी? अब ये तो आप डिपेंड करते हैं ना कैसे देनी है आपने गाड़ी। नहीं फ्री तो नहीं हम देते हैं, हम तो गाड़ियाँ बेचते हैं। नहीं आप अगर कहें आपने देखनी है, आपने बैठ कर स्टार्ट करके देखनी है तो वो कोई मसला नहीं आपको। नहीं ऐसे स्टार्ट नहीं, फिर आप ये कर लो कि हमें इसके ऊपर ना एक टेस्ट ड्राइव दिलवा दो। टेस्ट ड्राइव अगर ये आप कर सकते हो तो क्या हम लेके चलोगे? मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, आप साथ बैठ जाना। मेरा लाइसेंस चेक कर लो, मेरे पास लाइसेंस है। चलिए टेस्ट ड्राइव दे देते हैं, यहाँ से आगे पीछे करनी है बस। ऐसे थोड़ा सा रोड पे तो लेके जाएंगे, जरा मजा तो लेने दो, जरा ऐसा तो ना करो यार। क्या सिनेरियो होता है वैसे? वो सिनेरियो ये होता है अगर कि कोई गाड़ी खरीदता आके तो वो पसंद करता है गाड़ी पहले, ठीक। अगर उसे पसंद आया थी फिर वो टोकन करता है गाड़ी का, फिर हम उसको ड्राइव टोकन उसकी 10% 20% कोई प्राइस। 1,40,00,000 रुपए की गाड़ी है तो बाद ही वो पसंद करेगा, तो ऐसी गाड़ी का तो 5,00,000 से नीचे बयाना नहीं होगा ना। 5,00,000 रुपए बयाना टोकन जो है 5,00,000 करेगा, तब यहाँ से टेस्ट ड्राइव के लिए निकालेगा गाड़ी। बिल्कुल ऐसी। और ये भाई हम लोगों को टेस्ट ड्राइव फ्री में देने लगे हैं, तो ज्यादा शौकीन और जो मिल रहा है यही बहुत है भाई, ठीक है ठीक करके ले लो बस। ले आए फिर चाबी, फिर हम चले जरा थोड़ी सी। अच्छा महंगी गाड़ी है ना, यू नो साथ साथ दिल के पास रखते हैं गाड़ी की चाबी भी। मॉडल आप बताते हैं कौन सा मॉडल है? ये 15 मॉडल है। और 15 मॉडल की आप डिमांड कर रहे हो 1,40,00,000 टोटल जेन्युइन है ये? अच्छा 1,00,000 चली हुई है और 15 की इंपोर्ट है, 15 का ही नंबर है इसमें, पीपीएफ वगैरह गाड़ी पे सारी है। अगर ये फ्री टेस्ट ड्राइव मिलने की वजह से तुम लोग ऐसा लग रहा है कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन मकसद किसी ना किसी डीलरशिप से फ्री गाड़ी लेना है, तो मुझे 100 डीलरशिप पर जाना पड़ेगा, उनसे फ्री गाड़ी का पूछना पड़ेगा। क्या पता तुम लोगों को भाई यार इतना लकी हो कि एक या एक से ज्यादा फ्री गाड़ियां मिल जाए, क्या पता सिर्फ एक दिन के लिए फ्री गाड़ी मिले, क्या पता सारी सारी डीलरशिप मुझे फ्री टेस्ट ड्राइव दे दें, क्या पता वो भी ना दे। क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता इस चैलेंज में, सिर्फ एक चीज पता है कि इस चैलेंज से खुवारी बहुत ज्यादा होने वाली है। देख रहे हो तुम लोग क्या कुछ करना पड़ता है, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। तुम लोग ये काम करो, तब तो मैं जाता हूँ अगली डीलरशिप की तरफ।
भाई अगली डीलरशिप की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों का फायदा करवा दूँ ताकि तुम लोग मेरा ख्वाब तो होना पड़े ना गाड़ी लेने के लिए। तो मैं तुम लोगों का ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जिससे तुम लोग गेम्स खेलकर घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और वैसे तुम लोगों को पता ही कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से इस तरह के शौक पूरे करना बल्कि अपने घर के खर्चे पूरे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। तो मैं तुम लोग ऐसी साइड इनकम के बारे में बता रहा हूँ जिससे तुम लोग घर बैठे डेली बेसिस पर 2,000 से 5,000 रुपए कमा सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ऐसा, यहाँ पर पैसे कमाने के दो मेन ऑप्शन है। नंबर वन, यहाँ पर गेम्स खेल के प्रॉपर मेथड से पैसे कमा लो या फिर इनके पार्टनर बन जाओ और वीकली सैलरी लेते जाओ। और दो, यहाँ पर लकी स्पिन भी जिससे आप लोग ढेरों प्राइजेस जीत सकते हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, बाइक और काफी ज्यादा कैश प्राइजेस भी। और लोगों ने जीते भी और उनको एक वीक में डिलीवर भी करवाए गए। यहाँ पर आप लोग लूडो रसिया आसान गेम्स खेल के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग जॉब नहीं करते हो, किसी जॉब की तलाश में है, तो 12 घंटे ऑफिस में देने के बजाय एस रैंक पर एज अ पार्टनर काम करें। जस्ट यहाँ पर तुम लोगों ने अपने गेम की आईडी के रेफरल लिंक से लोगों को ज्वाइन कराना और उससे तुम लोग वीकली सैलरी हासिल कर सकते हो। तो जैसे कि किसी कंपनी या फैक्ट्री में पूरा महीना काम करने के बाद तुम लोगों को सैलरी मिलती है, यहाँ पर तुम लोग हर वीक सैलरी मिल सकती है वो भी उससे ज्यादा। तो फिर देर किस चीज के, अभी जो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया वहां से जाकर खुद को रजिस्टर करो एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। अब अगर मैं तुम लोगों को एक ही डीलरशिप का दिखाना शुरू होगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ और डीलरशिप से जिनको मैंने फ्री कार का पूछा लेकिन इन्होंने भी मना किया। उसके बाद में पहुंचा मेट्रो मोटर्स और इनको भी जब मैंने फ्री कार का पूछा तो इन्होंने मना कर दिया, बट कुछ देर बात करने के बाद इनको मैंने फ्री टेस्ट ड्राइव के लिए कन्विंस कर ही लिया। भाई शक्ल देख के मेरी कोई मुझे फ्री कार तो दे नहीं रहा था, तो मैंने सोचा फिर हम फ्री में टेस्ट ड्राइव ले जाते। वैसे इस तरह से टेस्ट ड्राइव भी नहीं ना देते? नहीं देते। क्या प्रोसीजर होता है जी टेस्ट ड्राइव लेने का? अंदर गाड़ी की डील होती है, बयाना लेते हैं, रसीद बनती है, उसके बाद गाड़ी की ड्राइव करते हैं, क्योंकि खुदा ना आस्ता गाड़ी लग जाए तो नुकसान तो किसको होना है? डीलरशिप का। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर बयाना रखा होता है कि भाई कोई ना कोई कॉम्पनसेट हो सके। लाइक मिनिमम कितना आप लोग लेते हैं? बड़ी गाड़ी है, तकरीबन कोई 125 की गाड़ी है मिसाल के तौर पे, तो कम से कम मिनिमम जो होता है वो 5 लाख होता है। मेरे में आज सुनील मंच साहब की रूह आ रही है, मैं उन्हीं तरह के सवाल करूंगा। पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये 2023 मॉडल की गाड़ी है और 24 में रजिस्टर है और 1500 सीसी हाइब्रिड एचईवी कहते हैं इसको, जो पाकिस्तान में आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। उसमें ये कैटेगरी में तीन गाड़ी है, एक हैवल है, एक क्रॉस आती है और एक सेंटा फे के नाम से, तीन गाड़ी है। एक और शानदार सी गाड़ी की फ्री टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैं फिर से फ्री गाड़ी लेने की जद्दोजहद में लग गया और फ्री का नाम सुनते ही इन लोगों की भड़ास कुछ यूं निकली। फ्री गाड़ी चाहिए सर? नहीं, वो तो होता रेडी होगी ना, गाड़ी थोड़ी हुई। मैंने क्या कर दिया सर आपका? मुझे पहले भी कई दफा इन लोगों ने कहा, अब मैं खुश होता हूँ। और इन लोगों की बातें सुनने के बाद मैं पहुंचा ऐसी डीलरशिप पर जहां पर अब तक की सबसे लग्जरी कार्स खड़ी हुई थी। मैं यहां पे तुम देखो मेरे पीछे फोर्ड रैप्टर खड़ा हुआ है, यार मेरे से भी कितना ऊंचा है। और ये मेरे पीछे देख सकते हो तुम लोग, यहां पर बेंज खड़ी हुई है और वो पीछे शेवले खड़ी हुई है। अगर यहां पे मुझे फ्री गाड़ी मिल गई एक ही दिन के लिए, यहां पे टेस्ट ड्राइव भी मिल गई, मैं कहता हूं इश्क मोहब्बत लव रिस्पेक्ट प्यार सब कुछ हो जाएगा इनके साथ। आजो सोफिस्टिकेटेड यू नो, साथ ही माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके पास। वो मैं जानना चाह रहा था कि गाड़ी चाहिए थी जी। मिल जाएगी आपको? कौन सी गाड़ी? कोई सबसे महंगी गाड़ी कौन सी आपके पास? हमारे पास सबसे महंगी इस वक्त i7 ड्यूल टोन खड़ी है, क्योंकि BMW i7 यस, इट्स अ BMW's फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल ऑफ ड्यूल टोन। हम उसकी डिमांड कर रहे हैं 985, 9.5 लाख रुपए बस, 9.85 में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैसे 9.5 लाख रुकात में तो नहीं थे, खैर आपने 9.5 करोड़ की बात कर दी। कहाँ पे खड़ी है? जेब में फूटी कौड़ी नहीं जाना, ऐसे जैसे बाप का माल है ऐसे लेने आए हैं गाड़ी है। अच्छा, इसकी आप डिमांड कर रहे हैं 9 करोड़? कैसे 10 करोड़ ही हो गया तकरीबन, 10 करोड़ तुम्हारे भाई के हाथ के नीचे है, देख रहे हो। मेरा बेसिकली सीन ये था, जितने आपने यहाँ पे पैसे बता दिए ना, मेरे पास तो इतने नहीं है, तो फ्री गाड़ी मिल जाएगी? तो एक दिन के लिए भी नहीं मिल सकती फ्री में? मैं कल वापस ला दूंगा। बिल्कुल, एक टेस्ट ड्राइव भी दिलवा दो यार, महंगी गाड़ी में बैठने का वैसे ही शौक था बचपन से, छोटे होते से। इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा, आप नहीं करवा सकते वो। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं माशाल्लाह इनके पास, लेकिन जितनी खड़ी है ना इस पर ज़रा से गलती से भी स्क्रैच क्रूच लग गया ना, इन्होंने मेरा सारा कुछ बेच बूझ के पैसे पूरे करवा लेंगे। खैर यार जो बात है, माशाल्लाह गाड़ी इनके पास बड़ी मददगार खड़ी है। BMW i7 है, ये भी तकरीबन 9 करोड़ की है, और पीछे दिखाई वो 10 करोड़ की है, और ये वाली जो शेवली है ये 5.5 करोड़ देगी। इतने हमारे पास वहाँ मालीशान घर ना बनाने, गाड़ी में रहना, गाड़ी लेके पूरी फैमिली को गाड़ी में घुसा। खैर इधर से भी हमें फ्री गाड़ी नहीं मिल सकी, अब आगे चलो। ना सुनने के बाद मैं पहुंचा इस डीलरशिप पर। ओके भाई, एक और डीलरशिप पे आ चुके हैं जिसका नाम है अदक व्हील्स। यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? हमारे पास
हमारे पास सबसे महंगी गाड़ी लेजेंडर खड़ा हुआ है। और फिर जब मैंने इस बंदे से भी इनकी लग्जरी कार फ्री में मांगी तो इसने भी वही किया जो पहले से होता आ रहा था, मतलब कि मना कर दिया। लेकिन एक चीज अच्छी होगी कि हमें टेस्ट ड्राइव देने के लिए मान गया। वो एंड पे लगा, वो निकलवाना पड़ेगा। वो फॉर्च्यूनर खड़ा है, उसकी ले ले। भाई उनकी वैसे यहाँ पे सबसे महंगी गाड़ी थी, लेजेंडर थी, लेकिन वो काफी पीछे खड़ा हो तो कह रहे हैं कि निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखो बात सुनो, एवी ना जब फ्री खाते में कुछ भी मिल रहा है ना ले लेना चाहिए चुप करके ना, एवी ना कार से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्च्यूनर भी कोई सस्ती गाड़ी नहीं, काफी महंगी है, उसमें टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। आज ये 2013 मॉडल है, 13 के रजिस्टर्ड है, सिंध नंबर है। ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है, ये वाली ना टोटल जेन्युइन है। हाँ जी टोटल जेन्युइन। इंजन वाइज भी अच्छी है, इंजन सस्पेंशन बिल्कुल ओके है, बॉडी वाइज भी बहुत अच्छी गाड़ी। तो क्या आप लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 63 कर रहे हैं भाई हम। हमें यहाँ से लेजेंडर की ड्राइव तो ना मिल सकी, लेकिन इस पुरानी शेप के फॉर्च्यूनर की ड्राइव का भी क्या ही मजा था। खैर मैं तुम लोग बताता चलूं, इस वक्त मैं जोहर टाउन की कार मार्केट में था, यहाँ के ऑलमोस्ट सारी डीलरशिप मैंने घूम ली थी, लेकिन मुझे फ्री कार नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी और मार्केट में जाया जाए, और मैं पहुंचा समनाबाद कार मार्केट, जो कि लाहौर की बड़ी कार मार्केट में से एक है। यहाँ पर भी मैंने इन सब डीलरशिप्स को पूछना शुरू किया, लेकिन रिस्पॉन्स इतना खास नहीं था। तो फ्री गाड़ी ढूंढते हुए मुझे मिली, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये है जी मेरे सपनों की रानी, इस गाड़ी से मुझे उम्मीद है। ये जो गाड़ी है ना, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था। अच्छा मैं ना गाड़ी लेने निकला हुआ, लेकिन मुझे फ्री गाड़ी चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये जो हालात में लग रही है, मुझे लगता है कि ये वाली गाड़ी आप मुझे फ्री दे दोगे। अब वो फ्री पक्की पक्की वाली फ्री दे दो या एक दिन के लिए दे दो, वो आपकी मर्जी, जितना आप मेरे से प्यार करते हो। अगर तुम मेरे एक दिन के लिए दोगे तो मैं कल ला के वापस दे दूंगा। अगर आप करते देते हो पक्की पक्की, तो फिर मेरे नाम कर दो कागज कुगज वगैरह सब कुछ। कागज तो जिन्होंने गड्डी उन्होंने गाड़ी पे, आपकी नहीं है, किसी की है? मिटेलिंग आज ले गए हैं, तो उनसे पूछ लो। तुम आएगा देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे मोनेट खोला हुआ आपने, ये वो सब कुछ। इंजन इसका नीचे होता है इंजन। हाँ, अच्छा वहाँ पे इंजन बाद जी। यूनिक गाड़ी देखो, ये मेरे लिए बनी हुई है, मैं भी क्रेजी गाड़ी भी क्रेजी, उल्टे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक दिन के लिए नहीं मिल सकती? तो टेस्ट ड्राइव हो जाएगी इसके ऊपर, मतलब कि हर तरफ से आप पकड़ाई नहीं दे रहे हो ना ही कर रहे हो। हाँ जी, मेरे सपनों की रानी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो फिर एक और मायूसी लेकर हम लोग आगे बढ़े और पहुंचे इस डीलरशिप पर। गाड़ी तो चाहिए, लेकिन मसला ये फ्री चाहिए। मैं काफी देर से मेहनत करता हुआ आ रहा था, कुछ हिसाब नहीं बन पा रहा था, मैंने कहा चलो किसी से मांग के देख लेते हैं, शायद ऐसे भी दे दे। सारी आपकी है, बहुत साथ बताया यहाँ पे। चलो ऐसे कर लेते हैं, अगर आप पक्की पक्की नहीं देते तो आपकी शक्ल देख मुझे लग रहा है आप डर रहे हो थोड़ा सा, कल वापस दे दूंगा एक दिन के लिए चला के। ले जाओ बस। कौन सी वाली दोगे? ये जो आगे करी है वो ले। फॉर्च्यूनर ले जाऊं? फॉर्च्यूनर ले। आ जाओ फिर, इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं भाई। मैंने पता जितनी भी डीलरशिप से पूछा तो उनमें से कोई भी मुझे फ्री कार देने के करीब भी नहीं आया था, और इस बंदे के इतनी जल्दी इतनी महंगी गाड़ी मुझे फ्री में देने के लिए मान जाना मुझे एक सोच में डाल रहा था। अब मैं गाड़ी खरीदने तो आया नहीं, मेरे तो फ्री चाहिए थी, और बंदा मान भी रहा है, लेकिन अब मैं इस चीज से सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी आराम से मान क्यों रहा है, कोई बीच में गेम ही ना हो। कन्फर्म कर लेते हैं भाई, इतनी महंगी गाड़ी मैं कहां से पूरी करता हूं, चोरी की गाड़ी तो नहीं भाई? भाई भी गुस्से में खड़े हैं, कोई बात नहीं, चलो उनसे पूछ लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी लगा हुआ ऐसे देनी तो नहीं, कोई नहीं अभी कैमरा देख के बस लगा हुआ है, तो इसलिए ना जरा उससे सीरियस होकर पूछते हैं थोड़ा ये ना, फिर अभी मैं पक्का होगा ना मैं ले लूँ निकल जाता हूँ। हाँ जी। और फिर जब मैंने इस बंदे को थोड़ा सीरियसली पूछा तो इसने मुझे बताया मैं कैमरा देख के सब कुछ बोल रहा था, तो मैं फ्री कार तो आपको नहीं दे सकता बट एक टेस्ट ड्राइव दे सकता हूँ। तो फिर हमने निकाली फॉर्च्यूनर और भाग गए। मैं कहता हूँ जिगरा इस भाई का यार, उसने नहीं देखा कितनी महंगी गाड़ी है, उसने सिर्फ मेरे कहने पे गाड़ी निकाल दी, इतनी महंगी गाड़ी की आपने मुझे टेस्ट ड्राइव दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और क्या खिदमत करें आप, प्यार आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई रात के 10 बज चुके हैं और मार्केट्स बंद होना शुरू हो गई है, और आज के दिन में हमने 55 डीलरशिप्स को पूछा, जिनमें से कोई भी हमें फ्री गाड़ी देने के लिए बिल्कुल भी नहीं माना, लेकिन कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने हमें टेस्ट ड्राइव्स दे दी। अब जो बाकी रह गई है उनको हम लोग पूछेंगे कल, आज के दिन को हम लोग वाइंड अप करते हैं, तो मैं तुम लोग को मिलता हूँ कल। ओके सो दिस इज द सेकंड डे, और अभी मैं हूँ समनाबाद कार मार्केट में, और जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। कोई तो हम लोगों को फ्री कार दे दे, यहाँ तो पक्की पक्की दे दे, या फिर एक दिन के लिए, नहीं तो फिर हम लोग टेस्ट ड्राइव्स तो ले ही रहे हैं, वैसे ही शशके पूरे कर तो रहे हैं। समनाबाद में जो डीलरशिप्स रह गई थी, फिर मैंने उनको पूछना शुरू किया, और ये वो डीलरशिप्स हैं जिनसे मुझे ना सुनने को मिली, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी सुनने को मिला। फ्री कौन दे रहा है? मुझे पता नहीं किसने बताया, मैं तो फ्री गाड़ी ढूंढने आ गया हूं। फ्री रोदा कोई नहीं खिला, फोटो खिंचदा रोदा खिला, ये अन्ना दा रोदा खिलाया, फ्री कौन देता है?
पता नहीं, मैं तो सुना, मैंने पहले टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, क्या था देखी थी मैंने, तो वो मैं तो उसकी बात है, ये पाकिस्तान है, इथे कूड़ा भी फ्री कोई नहीं चुकदा, इथे जो बंदा मर जाए ना मंडी नु मोटा भी कोई नहीं फ्री जो दे के जांदा वो भी रोटी खा के जांदा है, रोटी नहीं दी बंदो, इथे थाने दा चक्कर लाओ ना तो फ्री उठो भी वापस कोई नहीं आंदा, संतरी बाहर खलोता होता है, बोतल ही पिया दियो भाई, अंकल ने गुजारे समझा दिया मुझे, यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं मिलता। सर गाड़ी चाहिए थी, कौन सी चाहिए बेटे? चाहिए फ्री में, फ्री में चाहिए। हाँ जी, गाड़ी फ्री कहाँ से मिलेगी आप? गाड़ी फ्री नहीं मिल सकती, गाड़ी फ्री वहाँ से मिलती है, कोई लड़की शड़की को सेट करो जिसके पास पैसे हो, कॉलेज की स्टूडेंट को मम्मी डैडी पैसे वाली हो, पैसे वाली हो वो गाड़ी फ्री, फिर उनसे मैं शादी करूँ, फिर गाड़ी शादी नहीं, आपको गाड़ी से पहले शादी से पहले गाड़ी मिल जाएगी। ओहो अच्छा, प्रोग्राम तो बढ़ गया, यह बढ़ गया बढ़ गया, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अंकल मुझे एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अच्छा समनाबाद में मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी डीलरशिप को पूछा लेकिन किसी ने भी मुझे फ्री गाड़ी नहीं दी, तो अभी मैं आ चुका हूँ डीएचए, यहाँ पर भी एक कार मार्केट है, अब यहाँ की मार्केट से पूछते हैं कि ये लोग मुझे फ्री गाड़ी देते हैं कि नहीं। डीलरशिप की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बताता चलूंगा, इस चैलेंज के लिए मैं जिस भी कार मार्केट में गया वहाँ पर एक चीज कॉमन थी जो कि था मजाक, और वो मेरा इस मार्केट में भी उड़ाया गया। कौन सी गाड़ी आपको इजी लगती है ना वो ही दे दो, ज्यादा आपको दुखे ना, दुखे ना मतलब, मतलब कि आपको महंगी लाना पड़ेगी क्योंकि मैंने फ्री गाड़ी लेनी है, तो आपको अगर कोई महंगी गाड़ी मुझे दे दोगे, अगर आप मुझे महंगी गाड़ी दे दोगे तो आप लोगों के लिए मसला आ जाएगा। गाड़ी है लेकिन सेल आपको लेने पड़ेगी, सेल फ्री में तो वही मिलेगी। अच्छा वो चलाने वो वाली बच्चों वाली? ओ नहीं नहीं, ये वाली इनमें से, इनमें से दे भाई गाड़ी। अच्छा चलो एक दिन के लिए दे दो, यार ऐसी मेरा चैलेंज है पूरा करना है, कल वापस ला दूंगा। हाँ तो ले जाओ ना, तीन दिन के लिए ले जाओ, वो वाली नहीं, सेल आपने डालनी है, बॉस बैठी है। अच्छा कोई सीन नहीं हो सकता मतलब, कुछ भी नहीं, कोई टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिल सकती गाड़ी? अच्छा उसकी भी वजह? बिना वजह थोड़ी यार, इधर तो खड़ी मिट्टी खा रही है, मैं बाहर निकलेगी जरा लोग खा रही है। अच्छा साफ रखी हुई भाई, इन्होंने तो ज्यादा ही कॉमेडी कर दी, मुझे भी फील हो गई कॉमेडी वो वाली ना। हमारी जो डीलरशिप्स रह गई थी उनको पूरा करने के लिए मैंने इस मार्केट की डीलरशिप्स को पूछना शुरू किया, लेकिन यहाँ से भी हमें कोई फ्री गाड़ी देने के लिए नहीं माना, और ऐसे पूछते पूछते आखिरकार हम लोग हमारी आखिरी डीलरशिप पर पहुंच गए। वो भाई मैंने अभी चेक किया, हमारी 99 डीलरशिप कम्प्लीट हो चुकी है, और अब जिसको मैं पूछने जा रहा हूँ वो हमारी आखिरी मतलब की 100 डीलरशिप होने वाली है। पूछते मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब 99 कम्प्लीट भी कर ली है, और अब अगर ये आखिरी से भी फ्री गाड़ी नहीं मिली मेरा ये चैलेंज फेल हो जाएगा यार। आ अच्छा यार मुझे ना गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? जोन से भी आप दे दो, मतलब मुझे फ्री गाड़ी चाहिए तो आप फ्री में मैं कोई डिमांड करता अच्छा थोड़ी लगूंगा भैया, आपको देर भी हो आप ये गाड़ी लेनी ये वाली नहीं गाड़ी लेनी, आपका माइंड होएगा ना कोई? माइंड तो मेरा है बड़ी गाड़ी का, लेकिन वो आप लोगों के लिए महंगी पड़ जाएगी। तो बड़ी जाए नहीं भैया, नहीं मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए, वो तो यार एक भैया जो एस टाइम लेट जा रहा है गाड़ियों का कोई पता नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। मुझे फ्री गाड़ी मिल जाएगी वैसे कि नहीं मिलेगी? मुश्किल मिलेगी भैया, एक दिन के लिए भी नहीं मिलेगी, कुछ करते हो ऐसे जुगाड़ लगवा दो। पता क्या है, मुझे ना चैलेंज मिला हुआ है, और आप मेरी आखिरी डीलरशिप हो, मैंने 100 डीलरशिप्स को पूछना था, 100 डीलरशिप आप हो, हमारे पास गाड़ी तो मैं सब फ्री ले थे, यकीन मानो अगर आपसे भी ना मिली मुझे गाड़ी तो मैं रो दूंगा। मतलब कि गाड़ी चाहिए यार, गाड़ी बाकी हमारे पास, सिर्फ एक दिन के लिए दे दो, मैं कल आके वापस दे दूंगा, मेरा चैलेंज पूरा करवा दो यार। माला बंदा हूँ, सीधी बात करूँ, मालिक भाई अंदर बैठे हैं, उनसे बोल ले आपको क्या करते हैं, ऐसे वैसे कभी हुआ है? नहीं हुआ भाई, मालिक आपको लगता है देगा गाड़ी फ्री? वही ठीक है भाई, अगर आप मान जाते तो यकीन मानो मेरा चैलेंज पूरा हो जाता। दुख हो रहा है मतलब क्योंकि मेरा तो कोई चैलेंज गाड़ी ये अभी आपका प्यार है, अपनी पूरी जान लगा कर मैंने इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे फ्री गाड़ी नहीं मिल सकी। 2 दिन यहाँ वहाँ घूमना, 100 डीलरशिप्स को जाकर फ्री गाड़ी का पूछना, और लोगों की तरह तरह की बातें भी सुनना, और इस पॉइंट पर मुझे इसलिए ज्यादा दुख होता है क्योंकि अभी तक का मेरा पहला चैलेंज था जो कि फेल हो गया था। मैंने तो काफी ट्राई की, मैंने 100 की 100 डीलरशिप पूरी की और उनसे पूछा, बट मुझे किसी ने भी फ्री गाड़ी नहीं दी। हाँ कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव दिलवा दी, बट टेस्ट ड्राइव मेरा चैलेंज नहीं था, मेरा चैलेंज था फ्री गाड़ी लेना। बट इस चीज का मैं बदला लूंगा, तुम लोग का भाई इस चीज का बदला लेगा, वो मैं ऐसे करूंगा कि मैं सीट से पीछे नहीं रुकूंगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों की खातिर, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मुझे किसी ना किसी तरीके से फ्री गाड़ी मिल सके। अभी जो नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते, हम लोग क्रेजी है यार। खैर अगर तुम लोग चैलेंज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलेगा, और मैं तुम लोग मिलूंगा अगले चैलेंज में। बाय बाय।